फ्रेंड्स, आपको आपका और मेरे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। आज हम बनाएंगे मिर्ची का भजिया, जो हमें काफ़ी पसंद आता है। वैसे तो हम भजिया को ज़्यादातर बरसात के मौसम में खाते हैं, लेकिन हम नॉर्मल शाम के टाइम में चाय के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिर्ची के भजिए के लिए हमें चाहिए बेसन। मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है। हमें नमक चाहिए जो स्वाद अनुसार है, 1 टीस्पून खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। हमें जितनी सारी बनानी है उतनी सारी मोटी वाली मिर्ची, पतली वाली जो ज़्यादा तीखी रहती है इसलिए हमने मोटी मिर्ची यूज़ की। अब हम बेसन में 1 छोटा टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसे अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिला लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से, थोड़ा सा मोटा हम इसमें घोल बनाएंगे, बिल्कुल पतला नहीं करेंगे, नहीं तो बेसन जो है हमारी मिर्ची को छोड़ देगा, इसलिए थोड़ा थिक घोल बनाएंगे हम। इसके बाद हम इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेटेंगे, ताकि हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। हमारा जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल भी पतली नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, अब हम मोटी वाली मिर्ची को चाकू की हेल्प से ऐसे बीच से काट लेंगे, ये देखिए, ताकि हम इसमें मिर्ची के नमक की फीलिंग कर सकें। अब हम अपनी जो मिर्ची जो ऐसे हम बीच से काटे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा नमक डालकर फिल करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि हमने बेसन पर भी नमक डाला हुआ है। ऐसे करके हम सारी मिर्चियों में नमक फिल करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा जो बेसन है वो अच्छे तरीके से फिट चुका है, बिल्कुल अब ये भजिया बनाने के लिए रेडी है। देखिए फ्रेंड, अब हमने अपना तेल कढ़ाई पर रखकर चढ़ा दिया हुआ है, जो कि अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बेसन पे अपने मिर्ची को डिप करके इस पर डालेंगे। देखिए फ्रेंड, हम अपने भजिए को मैं करके बताती हूँ। ऐसे करके हम इसमें डिप करेंगे अपने मिर्ची को, और सीधे उठाकर इसको हम अपने कढ़ाई पर डाल देंगे। तेल बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत रखिएगा, नहीं तो ये मिर्ची जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए फ्रेंड, हमने अपने सारे मिर्चियों को डाल दिया है। अभी से थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे पलटा कर हम इसे अच्छे तरीके से सेक लेंगे। हमारा जो बेसन है वो अच्छे से फेटा हुआ है, इसलिए देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है। देखिए फ्रेंड, इसमें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है, पर इसे हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। आप इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत करिएगा, ताकि ये अंदर से पक सके। मीडियम फ्लेम पर ही पूरी तरीके से इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए हमारा जो ये भजिया है मिर्ची का, वो हो चुका है, अच्छे से इसका कलर आ चुका है। देखिए अब हम इसे प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा भजिया रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो बिल्कुल इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।